श्री राम समर्थ जनवरी 25। अनुसंधान के लिए निरंतर नामस्मरण करना चाहिए। अनुसंधान का मतलब है भगवान से अखंड संबंध, उसका नित्य स्मरण रखना। नामस्मरण गृहस्थी के लिए यानी वह सुखदायक हो इसलिए नहीं, बल्कि उसकी आसक्ति कम हो इसलिए करना चाहिए। ऐसा करने से गृहस्थी में कोई बाधा नहीं आएगी। जो होगा सो अपनी भलाई के लिए ही होगा ऐसा मानकर, भगवान में विश्वास रखकर जीवन यापन करना चाहिए। एक सज्जन मुझसे मिले और कहने लगे, मैं जब खाली होता हूँ तब नामस्मरण करता हूँ। तब मैंने उनसे कहा, पूरे जीवन में यदि महत्वपूर्ण समय कुछ है तो यही है, और यही समय सार्थक है, उसे आप निरर्थक क्यों कह रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, नसीब के भोग कुछ भी करो टलते नहीं, उन्हें भुगतना ही पड़ता है। सब संत ऐसा ही कहते हैं। यदि यह सच है तो जब हम नसीब के या प्रारब्ध के भोग भुगतते हैं तो बीच बीच में भगवान के नामस्मरण की जरूरी ही क्या है। वस्तुतः यह प्रश्न बिल्कुल सही है। यह सच है कि हमें अपने नसीब के भोग भुगतने ही पड़ते हैं, लेकिन जब भोग भुगतने पड़ते हैं तब हमें चैन नहीं पड़ता। ऐसे समय में यदि हम अपने मन को भगवान के नामस्मरण में लगाए रखेंगे तो समाधान बना रहता है। हमारी आज की अवस्था में भगवान की इच्छा से जो होने वाला होगा वही होता है, ऐसा मानना अथवा भगवान अच्छा ही करेंगे ऐसा विश्वास रखकर चलना हमारे लिए सरल बात होगी। यह याद रखिए कि यह बात लगती तो सरल है, फिर भी इसमें बड़ा रहस्य समाया हुआ है। जो होने वाला है वह भगवान की इच्छा से होता है। ऐसी निष्ठा निर्माण होने के लिए उसका निरंतर अनुसंधान रखना पड़ता है। जो स्थिति है उसमें संतोष और भगवान का अनुसंधान ही सद्गुरु की आज्ञा होती है। दूसरा, जब हमें दुख देता है तब अनुसंधान में बाधा पड़ती है, यह उसकी नहीं हमारी गलती है। वासना कैसे छूटेगी, मन एकाग्र कैसे होगा, ये बातें समझ में नहीं आएंगी तो कोई बात नहीं, लेकिन इन बातों को छोड़ने के अभ्यास के बजाय अनुसंधान निरंतर कैसे रहेगा इसका अभ्यास करना अधिक उचित होगा। केवल भगवान के अनुसंधान रखने की बात सध जाएगी तो सभी गुण अपने आप विकसित होंगे। आप पूछेंगे यह कैसे होगा, इसका उत्तर सरल है। जैसे शरीर के अवयव एक साथ विकसित होते हैं वैसे वृक्षों की जड़ों को सींचने से उनके सभी भागों को पानी मिलता है, वैसे ही भगवान के नामस्मरण को यदि हम नहीं भूलेंगे तो सभी बातें ठीक ठाक होगी। गीता में साक्षात भगवान अर्जुन को सुना रहे हैं, अज्ञान के अंधकार में दुख भोगते हुए तू मेरा स्मरण कर, मेरा अनुसंधान रख, तब तुझे भविष्य में प्रकाश दिखाई देगा। यदि हम चाहते हैं कि दीपक निरंतर जलता रहे तो हमें उसमें सतत तेल डालना चाहिए। उसी तरह भगवान का अनुसंधान लगातार होता रहे तो हमें भी उसका सदा नामस्मरण करना चाहिए। जिसका अनुसंधान अखंड टिकता है उसका खाना पीना उठना बैठना आदि सभी क्रियाएं भगवान के लिए सेवा ही हो जाती है। आज का मुख्य विचार, भगवान का अनुसंधान हमारा ध्येय, उसके अनुसार हम शेष बातें करें। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ।
Mm-hmm.